नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई? आप सभी, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन नेवी SSR AA और MR का एग्जाम चल रहा है अभी ऑफलाइन मोड में। आप सभी को पता है बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट के इंडियन नेवी ने एडमिट कार्ड जारी किए हैं। और दोस्तों, जो एग्जाम है भाई, उसमें अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और दूसरा दोस्तों, जो फेक फॉर्म वाले बच्चे थे वो तो एग्जाम देने गए ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे एक कैंडिडेट का एग्जाम था। पहले तो मैं आपको एडमिट कार्ड इनका दिखा देता हूँ, कहीं आप ये सोचो कि ये बनाई गई चैट है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका एग्जाम था भाई, गुजरात में इनका एग्जाम था दोस्तों। SSR AA का जो है इनका एग्जाम था। आप एडमिट कार्ड भी जो है देख सकते हो दोस्तों क्लियरली। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों कि इनका जो एग्जाम है वो कैसा रहा। ठीक है, दोस्तों अकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है विक्रम आदित्य डिटेल इंडियन कोस्ट गार्ड का बैच, जो कि आपका DP और GD एग्जाम के लिए है। अगर आप कोस्ट गार्ड DP GD को टारगेट कर रहे हो तो इस बैच को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैं आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टीच किया जा रहा है। यहीं पर अगर आप NDA को टारगेट कर रहे हो तो अर्जुना NDA 120-22 का कंप्लीट बैच कोर्स आपका लाइव हो चुका है। और कुल मिला के 1500 से भी ज्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने NDA के एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स एक्सग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आकाश एयरफोर्स एक्सग्रुप का कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है, जिसमें आपको मयंक चतुर्वेदी सर, दीक्षा वशिष्ठ मैम और जितेश प्रासर सर के द्वारा टीच किया जाएगा। यहीं पर अगर आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप या फिर नेवी SSR AA या फिर जो है FKT CDS की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे बैचेज देखने को मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लस पर। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैं जो है अनअकैडमी पर रोजाना 3 फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जब आपसे लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपसे एक इन्वाइट कोड मांगेगा, जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना और आप मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सिंपल अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंडियन कोड एंटर करके रविंदर सर्च कीजिएगा और वहां से भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी आप सभी के लिए दोस्तों NDA कैटेगरी में अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लेकर आ चुका है, जहां पर आपको प्रायोरिटी इन हैंडरेज का, प्रायोरिटी इन आस्क अ डाउट का फीचर मिलेगा और ऑल सभी बेनिफिट जो कि आपको नॉर्मल प्लस पर मिलते हैं वो मिलेंगे। यहां पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो। यहीं पर अगर आप मेरा रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल करते हो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सो यहां पर आप प्राइस देख सकते हो नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड और NDA कैटेगरी के। इनका एग्जाम हो गया दोस्तों, इनके जो एडमिट कार्ड था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त इनमें इनकी थोड़ी सी गलती हो गई थी, परसेंटेज में गलती नहीं थी दोस्तों, ओरिजिनल इन्होंने परसेंटेज रहा था और इनका एडमिट कार्ड आ गया था। ठीक है, सो इनको मैंने एफिडेविट रिकमेंड किया था, लेकिन एफिडेविट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंडियन नेवी वालों ने वैसे ही इनको एंटर करने दिया गया। ठीक है, सो यहां पर देखो दोस्तों, इनका जो एग्जाम है वो ठीक ठाक हो गया दोस्तों। भाई जाहिर सी बात, इतना कम समय था दोस्तों और कई बच्चों को तो पता ही नहीं था दोस्तों कि उनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, तो प्रिपरेशन वो इतनी अच्छी नहीं कर पाए, तो फिर भी इनका एग्जाम ठीक ठाक हो गया। फिजिकल इनका बहुत अच्छा रहा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि पेपर जो है पुराने वाला था और सारा जो हमने पढ़ाया था दोस्तों, ये देख सकते हो भाई आपकी क्लास से। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा दोस्तों कि मतलब भाई कि आप हमें बताइए कि हमारी क्लास से आया था नहीं आया था, लेकिन दोस्तों ने ना बताया कि जो सारा, देखो भाई मैं आपको जीके और साइंस पढ़ाता हूँ, तो जीके और साइंस का पोर्शन उन्होंने बताया है कि आपकी क्लास से था। ठीक है दोस्तों, और पुराना वाला पेपर क्यों था, क्यों बताया भी इन्होंने, क्योंकि दोस्तों 4 साल पहले तो इन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एग्जाम पहले होता था ना ऑफलाइन, वैसा ही ऑफलाइन एग्जाम था दोस्तों, बिल्कुल वैसे का वैसा उठा के दे दिया था। क्योंकि दोस्तों कई बार आपने देखा हुआ एग्जाम रिव्यू हम देखते हैं, तो या फिर दोस्तों क्योंकि करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो इससे भी अनुमान लगा सकते क्योंकि सारा ही पिछला पेपर था। और मैंने आपको बताया था भाई कि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो इंडियन नेवी रैंडमली 5 साल पुराना, 4 साल पुराना वाला पेपर ही उठा के दे देगी, क्योंकि दोस्तों आंसर की वैसे नहीं आती है, पेपर बच्चों को वैसे नहीं ले जाने दिया जाता है। तो भाई आप सभी देख यहाँ पे सकते हो भाई, एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे थे भाई, जैसे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, आप सभी को पता है दोस्तों गोवा। पहला वंश कौन सा है, EMI यानी IME की फुल फॉर्म इनसे पूछी है। न्यू कोई चीज नहीं थी दोस्तों, कोई भी करंट अफेयर या फिर नई कोई भी चीज नहीं थी दोस्तों, सारा का सारा जो है पुराना पेपर था। मैथ इन्होंने बताया कि सबसे हार्ड था, और मैंने करंट अफेयर के बारे में पूछा है तो करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं था। अगर बात करें दोस्तों, इन्हें लगता है कि 4 साल पुराने वाला पेपर जो कि पहले हुआ था कभी, वही उन्होंने उठा के दे दिया है। इन्होंने बताया दोस्तों कि एग्जाम में ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 67 कैंडिडेट बैठे थे और 34 केवल PFT में पास हुए थे, रनिंग पास नहीं हो रही थी बच्चों से। उन्होंने बताया कि रनिंग जो है बहुत सारे बच्चों को निकाल रहे थे। टाइम दोस्तों जो 7 मिनट होता है वो 7 मिनट 7.10 यानी 7 मिनट 10 सेकंड भी दे दिए थे। ठीक है दोस्तों, और 200 में से केवल 160 के आसपास जो है रिपोर्ट किया था। ठीक है, 200 में से केवल 160 के आसपास रिपोर्ट किया था दोस्तों उन्होंने बताया। तो भाई मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 10 10 ज्यादा नहीं है। और दूसरा दोस्तों, पेपर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, पेपर
की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पेपर ना इजी आएगा दोस्तों, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे भाई ये राजस्थान से हैं, अगर इनका स्कोर 35 के नियर अबाउट भी हो जाता है दोस्तों, 35-40 तो इनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों कंपिटिशन है ही नहीं यार, 10,000 बच्चों को बुलाया था, उसमें से 7,000 बच्चे रिपोर्ट करेंगे दोस्तों, और 7,000 में से भाई ऐसे होंगे कुछ पीएफटी में आउट हो जाएंगे दोस्तों। मतलब ओरिजिनल कंपटीशन अगर मैं बताऊं दोस्तों तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2,500 तो वैकेंसीज है दोस्तों, तो मतलब यार ज्यादा कंपटीशन नहीं है भाई। तो बहुत ही बढ़िया इनका एग्जाम हुआ था, और भी बच्चों का एग्जाम है दोस्तों आजकल भी, तो उनका भी एग्जाम रिव्यू मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी अगर आपका एग्जाम है तो आप मेरे साथ जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 7027555228 ये जो है मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों, इस पर आप जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों अगर आप भाई जैसे एग्जाम अगर आपका है, तो आप मेरी क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया करो, अनअकैडमी पर होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं दोस्तों, 3 क्लासेस में रोजाना लेता हूँ। मेरी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे इन्वाइट कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।